फार्मर द जर्नलिस्ट में मैं रोहित गुप्ता बांदा से आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चल के आए हुए हैं लालपुर के एक गांव में। आज हम आपको बताएंगे कि सागवान को कैसे तैयार करें, कितनी जगह में कैसे, किस तरह इसकी तैयारी करें और किस तरह ये तैयार होता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक किसान भाई, आइए चल के उनसे पूछते हैं कि कैसे सागवान की खेती को तैयार करते हैं, कैसे क्या उनने इसका प्रयोजन बनाया और इसको कार्य करने के लिए आगे कदम बढ़ाए। आपका शुभ नाम क्या है? अरविंद कुमार। आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार पटेल। पटेल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सागवान की तैयारी की है तो इसको आपने कैसे, आपके दिमाग में विचार आया किसकी खेती करें, ये हम आप हमें बताने की कोशिश करें। ये हमको जो आते हैं सप्लायर, अच्छा, तो सप्लायर द्वारा हमको जानकारी मिली कि सागवान की मतलब हम बगीचा तैयार कर रहा है। अच्छा। और इसके बाद उसने ये भी कहा कि जब सागवान तैयार हो जाएगा, जब ना कोई लेने वाला मिलेगा तो हम स्वयं कटवा ले जाएंगे। कटवा लेंगे। अच्छा, तो इसको तैयार करने में मतलब वो लोग प्लांट दे के गए हैं आपको? ये प्लांट, वो प्लांट स्वयं वहाँ से लेकर के आए हैं। अच्छा, और आपने बैठवाया? ट्रक द्वारा उतार गए हैं। अच्छा। इसके बाद हमने इसको बैठवानी। तो इसमें पानी यानी कितनी बार लगाए हैं आप? लगाने के समय खेत जुतवा के लगवाए हैं या गड्ढे बनवा के लगवाए हैं, आप बताएं। इसमें खेत पहले हमने जो जुतवाई करवाई है। अच्छा अच्छा। जुतवाई करवाने के बाद छोटा छोटा पौधा, दो दो पत्ती का पौधा था। अच्छा अच्छा। इसके बाद उसमें हमने उसमें हमने फिर एक फावड़ा मान लीजिए या हाँ, कुदारी से मान लीजिए, उससे थोड़ा थोड़ा गड्ढा बना करके। अच्छा। रुपाई का काम किया। अच्छा, रुपाई करने के बाद फिर उसमें डीएपी का थोड़ा थोड़ा दाना भी छिड़काव। अच्छा, अच्छा। पौधे में किया। अच्छा। और इसमें पानी लगाते रहे। अच्छा। और इसमें पानी मतलब छोटे छोटे पौधे में 15 दिन में। अच्छा। 20 दिन में। अच्छा। पानी मतलब 15-20 दिन के अंतराल में पानी लगाना पड़ा आपको? लगाना पड़ा। अच्छा, इसके बाद जब ये थोड़े बड़े, उसके बाद कितने दिनों बाद पानी देते रहे आप? फिर उसके बाद हमने पानी एक एक माह, डेढ़ डेढ़ माह में मतलब। अच्छा, अच्छा। मतलब 1-2 महीने के अंतराल में देते रहे। हाँ। चलिए अरविंद जी, आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पेड़ 14 से 15 साल के बीच में, इसकी मोटाई आप देख रहे हैं, इसकी औसतन लंबाई करीब 25 से 30 मीटर है। अच्छा खासा पेड़ भी ये बन चुका है। 2-3 साल में पककर ये बेचने योग्य हो जाएगा और इसमें पानी बहुत ही कम मात्रा में लगता है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि एक कतार में करीब 4-5 फीट 6 फीट का अंतराल है। इस अंतराल के साथ आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस तरह इसकी उचित दूरी बनाकर सागवान की खेती करें। खेती करके इसका अत्यधिक लाभ उठाएं। आप देख ही पा रहे हैं कि कितनी मोटे पेड़ हो गए हैं 14 से 15 साल के बीच में। इसमें पानी की मात्रा भी कम यूज होती है, इसमें कोई दवा का छिड़काव भी नहीं होता। इसके पत्तों में कीड़े लग जाते हैं, इसके बाद झड़ने के बाद इसमें नए पत्ते अपने आप उग जाते हैं।